हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइज, अभी जो है मेरे को कहीं जाना है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, मतलब कल के व्लॉग में, कि भैया ना गांव जा रहा था। तो भैया के गांव जाने के लिए ना मुझे उसके जो कपड़े हैं उसको फिटिंग करा के लाने हैं। मुझे उसकी पैंट जो है ना काफी लंबी लंबी है, उसको कट करवा के लाना है। फिलहाल अभी चलते हैं। अब ये नहीं पता मुझे आज कितने बजे निकलेगा वो गांव के लिए, पर मम्मी ने बोला कि फटाफट उसकी पैंट जो है फिटिंग करा के लिया, तो वहीं पे चलते हैं। फिलहाल अभी तो कोई नहीं है आज थिएटर में, थिएटर बिल्कुल खाली है, देख सकते हो। तो चलते हैं अभी ऊपर, रिंग लाइट को थोड़ा बंद करा जाए। हाँ भाई कालू, क्या हाल है तेरे? कुछ 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 कालू, ऊपर देख, ये डरने लग गया भाई आजकल मुझसे। मैं इसको मारता बहुत हूँ, शैतानी करता ना, तो मैं भी इसको ऐसे फूट देता हूँ। तो लो जी भाई, मम्मी ने जो भैया की पैंट है वो निकाल भी दी है। मैं बोल के गया था जल्दी जल्दी भाई पैंट निकाल दो, फिटिंग करा के ले आऊंगा मैं। तो ऐसी कुछ पैंट है भैया की, ये दो पैंट है भैया की, देख सकते हो। तो ये लंबाई में थोड़ी ज्यादा बड़ी है मेरे हिसाब से, तो वही कटवा के लानी है। तो अभी वहीं पर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये ले, तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी है। इस वाले, ये तो बिल्कुल मस्त आ रही है, मतलब हल्की सी काटनी है इसको भी, अभी नपवा दूंगा तेरे को मैं। पर ये वाली हल्की छोटी लग रही है, पर इसको भी शायद एक इंच कटेगी मेरे हिसाब से। अभी नाप लियो, इसको मैं पहन नहीं पाया क्योंकि ये मेरे कमर की नहीं है। तो फिलहाल भाई करवा के चलते हैं घर पर। साबिर भाई कर देगा अपना, अभी तेरा स्वेटर फट रहा है साबिर, इसको तो सिल ले। मतलब दर्जी हो गए, तू अपना स्वेटर फटा हुआ पहन रहा है। बात तो सही है, ऐसी होता है। अभी जो है मैं छत पर आ चुका हूँ, और जैसे कि आपने देखा था मैं पैंट फिटिंग कराने गया हुआ था। तो वो भाई को मैं पैंट दे आया हूँ, वो भी करके 4 बजे फोन कर देगा मुझे, तो मैं जाकर ले आऊंगा। तो फिलहाल अभी 3 बज रहे हैं, मैं छत पर आ गया हूँ डेली की तरह। भाई डेली 3 बजे मैं छत पर आता हूँ कबूतरों को उड़ाने के लिए, क्योंकि इनकी टाइमिंग होती है, एक फिक्स टाइमिंग होती है कि 3 बजे ही खुलने चाहिए। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, पर ज्यादा टाइम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, वरना फिर ये खराब उड़ते हैं। ये कबूतर ऐसे ही होते हैं कि आज मैंने 2 बजे खोले हैं, तो कल भी 2 बजे ही खुलने पड़ेंगे। इनकी पूरी 3-4 महीने जितने महीने ठंड रहती है ना, उतने महीने फिक्स टाइमिंग पे उड़ाता हूँ। बाय चांस कभी टाइमिंग चेंज करते हैं, वरना तो फिक्स टाइम ही रहती है इनकी। तो फिलहाल अभी चलेंगे, भैया गांव वाँव जाएगा तो आप लोगों को दिखाई देंगे। चलो फटाफट कबूतर वगैरह खोल लेते हैं। तो गाइज अभी देखो, मैं कबूतर खोल के उड़ा रहा था, और विक्की ना भाई गिल्लू को लिया है, सॉरी सिब्बू लेकर आया है। तो भाई कबूतर उतर मस्त उड़ रहे हैं आज तो भाई जैनमन। आज कबूतर ने, मतलब 3 दिन से मेहनत कर रहा हूँ, 3रे दिन का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला सही में भाई, दिल खुश हो गया मेरी मेहनत का। और एक गिल्लू देखो वहाँ पे भी दाना खा रहा है, देखो वो किसी और का गिल्लू है, और ये वाला गिल्लू हमारा भाई। गिल्लू देखो बाजरा खा रहा भाई, देखो कैसे खा रहा है बाजरा। मतलब भाई सुस्त सा लग रहा है यार ये तो। गिल्लू क्या हुआ लड़के? कुछ नहीं हुआ। ऊपर आ रहा था अकेले, ऊपर आ रहा था ये। लो भाई अकेले ऊपर आ रहा था, जैसे कि मैंने बता ही रखा है 3रे फ्लोर तक अकेले आ जाता है। सिब्बू आ रहा होगा तो सूरज ने सिब्बू को दे दिया जीने पे से। फिलहाल अभी कबूतर वगैरह को उड़ा के चलेंगे नीचे। ये बेड पे था। अच्छा ये आगे बेड पे है ना, मैंने शीशा खोल दिया, फिर इसको आमने सामने एक जैसे दिखने लगा। ठीक है, तो सोच रहा है उधर चले जाएगा, शीशे में लगा बट कूद कूद के गया उधर की तरफ। हो नहीं जाता कभी कभार कि इतने डर जाते शीशे में देख के अपने आप को देख लिया, वैसे ही ये भागने की सोच रहा था। ये सोच रहा था पीछे जगह है, शीशे में जाकर टकरा गया। यार बेटा मेरी गिल्लू भोली, तू भोली है रे, तू बहुत भोली है। ये देखो ये रहा गिल्लू। लो कबूतरो गिल्लू को देखो, तुम डरेंगे, ये डरेंगे भाई, कबूतर डरते हैं गिल्लू से। तो फिलहाल चलेंगे नीचे, कबूतर तो उड़ा लेते थोड़ी देर। ये ले लो, बढ़िया है ना, मोटा पैसा, मोटा पैसा। कितने बजे आएगा भैया? फोन कर ना। फोन करूं? जा रहा है। ये मेरा बैग लेके कहाँ जा रहा है? तेरा बैग है। और क्या? तेरा नाम लिखा हुआ इसपे। और मैंने लिया था केदारनाथ से। घर में से। फिर बोलेगा तेरा और मेरा। कितने बजे निकलना है? ये क्या दे रहे हो मेरे को? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। रात में उड़ने के लिए। कोई देखिए साल सही है। और क्या सही था? ट्रेन में उड़ना है कोई तो गांव घर। बाबू ट्रेन में ठंड लगती है। कौन से भी फटने वाला, थोड़ा बहुत देख लो यहाँ से। क्या इतना ही फट रहा है यहाँ से? मैं कहा सिलवा के लाऊं? उस दिन मैं गया था हरिद्वार, तो उस बैग को टांग रखा था वहीं, ये बद्दी के साथ ही खड़ गया। तो डीएलएफ में ले जाता ना,
जब तुझे याद था तो ले जाता सिलवा ला डील अप में सिल जाता मैंने तो अभी देखा तो याद आया ना अभी देख ले ले जा छिंगे के पास बैग वाला सिलेगा इसकी सिलाई मशीन अलग होती है कितने कपड़े ले जा रहा है मेरे पे कपड़े ले जा रहा है क्या मेरे में से भी ले जा रहा है कुछ तेरा कपड़ा काट ले जाएगा भाई यहाँ पर बन रही है पूरी भैया के जाने के लिए और हमारे लिए बन रही है हम भी खा लेंगे भाई तो कितने बजे निकलेगा निकलेगा 9 बजे से तो भाई फिलहाल भैया हो गया रेडी देख सकते हो जाने के लिए कब निकलेगा तो भाई यहाँ पर भैया हो चुका है रेडी जाने के लिए ये जा रहा है गाँव सीधा एक हफ्ते बाद मिलेगा तो फिलहाल ये सब बैठे हुए हैं तो भैया थोड़ी देर में निकलने वाला है अब रात की ट्रेन है इसकी चलना जल्दी निकलना अबे तेरी जेब में ये चाबी मैंने तो चाबी जेब में ही देखा था तो भाई फिलहाल अभी जो है आ चुका हूँ मैं घर पर भैया को छोड़ के कैसे ऑटो से गया कि बस से हैं बस से गया कि ऑटो से पता नहीं घुसा तो बस स्टैंड में ही है बस स्टैंड में जा सुनो बस में गिल्लू भैया चला गया गिल्लू खाना खा लिए खाना खा लिए मम्मी खाना खा लिए डिचुक 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 सबने खा लिया तो जल्द मेरे को भी दो निकाल के तो मेरे को तो दे दो अब तो चला गया भैया एक हफ्ते के लिए गायब हो गया यह गिल्लू है बहुत जेंटलमैन तो भाई फिलहाल अभी जो है मैं बाहर गया हुआ था एक भाई का जन्मदिन था वहाँ से आ रहा हूँ अभी अभी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर हिमांशु भाई हैप्पी बर्थडे टू यू भाई का बर्थडे जल्दी जल्दी केक काट लो अरे हिमांशु भाई खा लेंगे बस भाई तो फिलहाल भैया को तो मैं छोड़कर आ गया हूँ भैया तो अब तक शायद ट्रेन में बैठने वाला होगा क्या पता स्टेशन में पहुँच गया अभी फोन करके पूछूंगा हो जाएंगे शादी की बात पक्की करके आएंगे अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा शादी करने नहीं गया वो बेटे ऐसी ले गया शादी नहीं बैंक में पैसे पड़े हुए निकालने गया क्या क्या पर भाई देखो विक्की सो गया यार ये देखो मच्छर बैठा हुआ है मच्छर तेरी भैंस की पूछ ले मर गया ओ मार दिया कर दिया कार्यक्रम मच्छर का तेरे भाई ने तो कौन दे तो कौन भाई फिलहाल उस मच्छर का मैंने मर्डर कर दिया माफ कर देना भाई कभी कभार करना पड़ता है तो फिलहाल भैया चला गया तो घर ना थोड़ा सुना सुना सा लगता है भाई जो बात है घर में से कोई बंदे कहीं चला जाता है ना तो काफी सुना हो जाता है इस टाइम तक तो घर पे आ जाता है मम्मी के साथ बैठ के खाना खाता था पर आज नहीं है पर एक हफ्ते बाद दोबारा वही कंटिन्यू हो जाएगा सब फिलहाल तो ये छोटा सा व्लॉग था होप कि आप लोगों को आज के व्लॉग में मजा आया होगा अगर जो मजा आया तो लाइक करना चैनल पे नो सब्सक्राइब करना आजकल थोड़े छोटे व्लॉग बन पा रहे हैं भाई मुझे पता है थोड़ा आना जाना कहीं हो नहीं पा रहा कुछ गेम वगैरह भी थोड़ा सोच रहा हूँ किसना भी कुछ कुछ बताता रहता कि भाई आज ये कर लो वो कर लो संडे यार सब की छुट्टी है नो वाला खेल लो यार यस नो वाला गेम ना थोड़ा ऐसा ही लग रहा है कुछ अलग ही करना है भाई मस्त वाला तो बढ़िया सा कोई देखो ना देखते हैं भाई कुछ आप लोग भी बाकी कमेंट करके बताओ बताओ कमेंट करके फिलहाल यही था आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में जब तक के लिए टेक केयर बाय कहाँ है किधर गया है इसको पता होगा ना इसने देखा होगा हमें तो डर लग रहा है अब वो नाल है ना नाल हटियो ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा उत्तरी तो वो निकल गया वो भाग गया भाई भाग गया ये तो मोटा सा था काला सा नहीं नहीं अंदर बाहर चला गया मैंने देख लिया